तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक शानदार टॉपिक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या योगदान रहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कि इस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हमें देखने को मिलेगा। हमने लगभग 2-4 वीडियो अभी तक देख लिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसी तरह आज हम लोग इनर्शियल और इनर्शियल का भी डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जितना संक्षेप में हो सकता है मैं इसको समझा के आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इस पर आप ध्यान दोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ रेफरेंस फ्रेम इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर हमें डिस्क्राइब करना है किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मोशन तो हमें उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए। चलिए हम इस पर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम इसका स्टेटमेंट दें तो ये दे सकते हैं आप, ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस इन रिलेशन टू विच मेजरमेंट ऑफ साइज पोजिशन एंड मोमेंटम कैन बी मेड। अब इसका क्यों जिक्र हुआ इस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक एज ए एग्जाम्पल कि कोई गाड़ी है, कोई कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। आप सपोज कर लो यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे बड़ी बात है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी या कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो इसके लिए हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, एक्स से इसका क्या डिस्टेंस है, वाई से क्या डिस्टेंस है, जेड से क्या इसका डिस्टेंस है। अगर हम ये जान लेते हैं और साथ में टाइम अगर पता रहे तो हम आसानी के साथ इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार 60 किलोमीटर प्रति आवर से मूव कर रही है। तो चलिए मान लीजिए आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर समय के साथ मूव करे तो वो क्या करेगी, वो मतलब कोई चीज मूव करती है तो वह समय के साथ क्या होती है, वो बदलती है। अभी ये मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हो सकता है अगले टाइम यहाँ पे रहे, अगले टाइम यहाँ पे है, ऐसा पॉसिबल है, समय के साथ वो चेंज करेगा। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए, साइज। इसलिए मैंने लिखा साइज कि यहाँ से आप साइज मेजर कर सकते हो इसका, ये यहाँ पे आप ध्यान दोगे स्क्रीन पे। पोजीशन, पोजीशन मतलब इसका एक्स से क्या दूरी है, वाई से और जेड से, तो एक्स वाई जेड इसको हम पोजीशन बोलेंगे, इस पॉइंट को ध्यान दोगे आप लोग। और साथ साथ एंड मोमेंटम यहाँ पे हो गया, मोमेंटम नहीं लिखना आपको यहाँ पे, इसको लिखना है मोशन कैन बी मेड, इसको आप करेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मोशन कैन बी मेड। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि मोशन क्यों, तो मोशन जब ये कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, टाइम होगा, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट और प्लस टाइम का रहना जरूरी है, तभी हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये डेफिनेशन दिया गया कि टाइम पे, इस टाइम पे यहाँ पे है तो इसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, ये पार्टिकल यहाँ पे यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। तो हम अगर एक्सेस के बारे में पता कर लें और टाइम के बारे में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम निकाल सकते हैं। या तो आप पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं कि ये मान लीजिए ओ ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, तो पी ओ, तो आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग ऑर्थोगोनल एक्सिस या एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये तो आप क्लास 11 से पढ़ते आए हैं। तो यही था एक कार का एग्जाम्पल। तो चलिए इस पर हम आगे बात करते हैं और इसको थोड़ा और हार्डली समझेंगे। मान लीजिए आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप मोशन में हो, आप मोशन में हो, आप क्या हो, मोशन में हो, इस पे मैंने पहले बता दिया है। तो आपका फ्रेंड आपको रिसीव करने आया होगा तो आप अपना फ़ोन निकालोगे और कहोगे उसे कि दिल्ली आने वाला है, मतलब दिल्ली आने वाला है। तो आपके दोस्त जो ट्रेन में बैठे हैं उनके लिए क्या है, दिल्ली मूव कर रहा है। वैसे दिल्ली तो स्टेशनरी है भाई, दिल्ली कैसे मूव करेगा, ये तो संभव है ही नहीं, लेकिन आपके दोस्त के लिए जो है ट्रेन रेस्ट में है लेकिन दिल्ली मूव कर रहा है, दिल्ली चल रहा है, तो ये तो संभव है नहीं। आपके लिए क्या है, आप जो यहाँ पे उस अपने दोस्त को ऑब्जर्व कर रहे हो जो ट्रेन में बैठा है उसके हो, तो आपके लिए ट्रेन मूव कर रही है, आप जो स्टेशन पे खड़े हो, दिल्ली आपके लिए जैसा है वैसा रेस्ट में ही है, मतलब स्टेशनरी है, ठीक है। तो मैंने इससे भी पहले आपको बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। अगर हम धरती पे बैठे हैं, पृथ्वी पे मान लीजिए खड़े हैं, तो हम पृथ्वी की अपेक्षा में रेस्ट में हैं, लेकिन वहीं कोई एस्ट्रोनॉट अगर हमें स्पेस से देखेगा तो लगेगा कि हम मोशन में हैं, क्योंकि पृथ्वी लगातार अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रही है, स्पिन कर रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे
तो इसको आप लोग पढ़ लोगे, अकॉर्डिंग टू योर विजन ट्रेन इज मूविंग विथ सम स्पीड इन द सेम वे योर फ्रेंड इज मूविंग विच इज इन द मोशन, लेकिन ट्रेन आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और दिल्ली चल रहा है, जबकि दिल्ली थोड़े चलेगा, दिल्ली तो रेस्ट में है, मतलब स्टेशनरी है। छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर कोई लड़का ट्रेन में बैठा हुआ है, तो अगर ट्रेन में वो बैठा हुआ है और ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो अभी मैंने बताया कि उसे लग रहा है कि दिल्ली चल रहा है लेकिन वो रेस्ट में है, इसका मतलब उसे लग रहा है ट्रेन रेस्ट में है। अगर वो मान लो उसके हाथ में कोई बॉल है, वो बॉल उछालता है ट्रेन में बैठा बंदा, तो वो बॉल उस स्ट्रेट लाइन सीधे उसके हाथ में आएगा, सीधे उसके हाथ में गिरेगा। वहीं बाहरी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक बंदे या एक जो लड़की है, वो अगर आपको फील करती है तो उसे ऐसा लगता है कि ट्रेन मोशन में है और साथ में आप भी मोशन में हो, तो वो जो बॉल है वो अब कैसा दिखेगा बाहरी वाले के लिए, बॉल एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ दिखेगा क्योंकि ट्रेन लगातार मोशन कर रहा है, उसे बॉल स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा जैसा आपको लग रहा है आप ट्रेन में बैठे हो। तो दोनों का एकदम थिंकिंग अलग है कि आप मोशन में बोल रहे हो, आप बोल रहे हो हम रेस्ट में हैं ट्रेन में बैठे हैं, वहीं बाहरी वाला बोल रहा है कि आप मोशन में हो, तो इसी तरह बॉल भी उसको पैराबोलिक दिखेगा, वहीं आपको बॉल स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो जाके डेली लाइफ में भी, अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ आप देखने को मिल सकता है आपको, अगर आप गौर करो इन बातों पे। तो खैर यही सब चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पर भी ये काम आ सकता है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से संबंधित आर्टिकल। अब चलिए हम लोग एक बात करते हैं नया टॉपिक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन का नियम अच्छे से होल्ड करे, या ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप जानते हो, एक बार मैं इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इन एन इनर्शियल फ्रेम अ बॉडी परसिस्ट इन द मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिख के आपको थोड़ा प्रीवियसली समझाना चाहा कि बैक में आपको ले जा रहा हूँ थोड़ा मैं, जो मतलब कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो चलिए इस पर हम आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसलिए हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप ट्रेन का ले सकते हैं कि मान लीजिए ट्रेन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, यहाँ पे एक बार फिर आप समझोगे कि ट्रेन मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही मूव करेगा, अगर हम उस पर ब्रेक लगा दें तो वो क्या होगा, ब्रेक लगा दें तो वो रेस्ट में आ सकता है, वो उसका क्या होगा, तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या तो मान लीजिए एक्सेलरेशन देंगे तो वो स्पीड उसका बढ़ेगा, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं फिर भी फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रेन लगातार उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन का नियम कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, मैंने बता दिया आपको, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो तब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक कंडीशन बुक्स का। मान लीजिए ये कोई किताब है जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको टेबल पे रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इस किताब के ऊपर में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब ये बुक क्या है, ये रेस्ट में है, किताब जो रखा हुआ है टेबल पे। ठीक है, तो फोर्स अगर नेट फोर्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार, आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, इसको आप लोग देख लो, ये आपको फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ का अप्लाई कर दिया हमने। तो फोर्स अगर नेट फोर्स इस पे जीरो लग रहा है इस बुक वाले केस में, तो इसका मतलब जीरो बराबर क्या हम लिखेंगे, फोर्स की जगह पे जीरो, एफ बराबर एम ए, तो यहाँ पे हमने रख दिया जीरो, और मास और इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कभी भी जीरो हो नहीं सकता, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा ही होगा, इसीलिए एम क्या नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी उस पर कुछ हो सकता है, अन्यथा जस का तस रहेगा, ऐसे आप समझो। यही है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड करता है, इसको आपने समझ लिया। अब हम लोग चलिए बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। द डेफिनेशन देखिए, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड इन सच केस विदाउट अप्लाइंग फोर्स ऑन समबडी येट एक्सेलरेशन अकर। इनके अनुसार कहा गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा कि जिसमें न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन होल्ड ना करे, इस केस में अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं भी करते कुछ कुछ बॉडी पे, फिर भी वहां पे एक्सेलरेशन होता है,
ऐसा कैसे संभव है, अगर हम फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो एक्सकलेशन कैसे हो सकता है, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इस टर्म को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, तभी जाके हमें पूरा इसका समझ में आएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखो कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड नहीं करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क करेगा, ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तभी उसमें एक्सेलरेशन होता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स नहीं भी लगाएं फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये कोई ट्रक है, ये ट्रक मूव कर रहा है, नहीं अभी ये रेस्ट में है, अभी ये ट्रक रेस्ट में है तो मैंने इस पे एक ये बॉल क्या किया, लटका दिया। ये बॉल आप ध्यान दो, तो ये ट्रक रेस्ट में है तो अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये बॉल भी रेस्ट में रहेगा, ये ट्रक भी ऑलरेडी रेस्ट में ही रहेगा, इसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे अब इस ट्रक के ऊपर में फोर्स अप्लाई करें, मतलब कि इसको मोशन में ला दें, तो क्या होगा, ये ट्रक आगे की तरफ मतलब कि मूव करेगा और ये बॉल जो है ऑटोमेटिकली इधर इस डायरेक्शन में क्या करेगी, ऐसे ही मतलब दोलन करना स्टार्ट कर दी, मतलब घूमने लगेगी पीछे की डायरेक्शन में। तो आप जब ये सवाल ये उठता है कि आपने तो फोर्स इस ट्रक के ऊपर में अप्लाई किया तो फिर ये मोशन ये बॉल पे क्यों हो रहा है, सवाल तो ये उठता है, हमने बॉल पे तो किसी प्रकार का मोशन नहीं लगाया तो फिर इसमें एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ट्रक में एक्सेलरेशन होना चाहिए ना। तो यही तो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, हम लगा रहे हैं इस पे बल लेकिन फिर भी मोशन आपको बॉल पे भी देखने को हमें मिल रहा है बिना किसी फोर्स को अप्लाई किए हुए। अगर कोई चीज बिना फोर्स अप मोशन में आ जाए तो न्यूटन का लॉ, बिना फोर्स लगाए हुए अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको ये मोशन में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा, न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा। इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉल पे उसे हम कहते हैं फिक्सीशियस फोर्स या स्यूडो फोर्स। ऐसा फोर्स हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज ना होता। बॉल पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इज फिक्सीशियस फोर्स। अब है जो बॉल मोशन में है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि बिना एक्सेलरेशन मतलब बिना मोशन बॉल पे दिए हुए भी बिना फोर्स के भी वो बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमने फोर्स कहाँ पे दिया था, इस ट्रक पे, इस बात को आप बार बार गौर करो तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है कि हाँ कि आपको न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार न्यूटन का लॉ वैलिड होना चाहिए। अब चलिए एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा आप ध्यान दोगे। मैंने एक डिस्क लिया, आप सपोज कर लो ये कोई डिस्क है, इस डिस्क में ये कोई पार्टिकल है या कोई मैटर आप समझने के लिए ले सकते हो इसके अंदर में। हमने क्या किया, अभी ये डिस्क रेस्ट में है तो इसको हमने क्या किया, रोटेट किया पूरा फास्टली, इसको मोशन में ला दिया। मैं आपसे पूछता हूँ आपने फोर्स कहाँ लगाया, आपने तो फोर्स लगाया इस डिस्क के ऊपर में, लेकिन मोशन किसका हो रहा है, अंदर वाले पार्टिकल का भी मोशन होगा या ना होगा, आप मुझे ये बताओ। निश्चित रूप से इसमें भी मोशन आएगा, मोशन आएगा। उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी जा सकता है मूव करके, उसके बाद ये ऐसे करके ऊपर की तरफ निकलेगा ऐसे, और यहाँ तक ये पार्टिकल जाएगा, और ये पार्टिकल इधर बाहर की तरफ भी निकलेगा, और यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में भी ये पार्टिकल निकलेगा जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसको बोलते हैं। यहाँ से ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये उठ गया ना कि हमने तो फोर्स लगाया डिस्क के ऊपर में, रोटेशन किया, आखिर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। तो यही है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। तो बाहर की तरफ जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो परपेंडिकुलर जो ये लग रहा है इसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। तो इस तरह से ये क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ये इधर बाहर की तरफ वाला हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर वाला। ये मैंने आपको और एक एग्जांपल से समझा दिया, ये आप समझ सकते हो। ये रेस्ट में है, जब इसको मोशन में लाया तो पार्टिकल ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो वहाँ से खिसक गया, अपना जगह उसने छोड़ दिया, जबकि हमने पार्टिकल पर किसी तरह का छेड़खानी नहीं किया, उसके बावजूद भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। पार्टिकल आगे बढ़ गया, फोर्स दो तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कोरियोलिस और ये बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल, परपेंडिकुलर तो समझ गए। तो यही था आपका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे और देखेंगे, पोस्टुलेट देखेंगे, उसके बाद और बहुत सारा फिजिक्स का टॉपिक हमें नया नया देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।